प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा को दी बड़ी सौगात। दरभंगा के शोभन में बिहार के दूसरे एम्स निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में लगभग 12,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। दरभंगा के शोभन में बिहार के दूसरे एम्स निर्माण के लिए आधारशिला रखी। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, आज महत्वपूर्ण दिन है। दरभंगा एम्स के निर्माण का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। इसके निर्माण से दरभंगा के लोगों को काफी अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। 2003 में तत्कालीन श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पहली बार एम्स पटना के निर्माण का निर्णय लिया गया था। दूसरी बार 2015 में दूसरे एम्स के निर्माण का निर्णय लिया गया। आप जानते ही हैं, हम तो उनका आज के उपस्थिति के लिए स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। और आज महत्वपूर्ण दिन है, दरभंगा एम्स के निर्माण का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। और दरभंगा में एम्स के निर्माण से बिहार के लोगों को काफी अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। और एक बार हम आपको बताना चाहते हैं कि 2003 में तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में पहली बार एम्स का पटना में उन्होंने निर्माण का निर्णय लिया था 2003 में। और आप जानते ही हैं कि बिहार में एम्स बन गया और काफी लोग देखने जाते हैं और काफी अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से बन गया है। और उसके बाद दूसरी बार भी जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन था, इनका शुरू हुआ था, तो 2015 में ही यहां तय हो गया कि जैसे एक बना हुआ था, एक और बिहार में बनेगा। तो उसी समय जो थे, उस समय के तत्काल वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी, और हम तो जा करके उनसे मिले थे और उनसे भी हमने कहा था कि भाई पटना में हो गया है, अब निश्चित रूप से यहां पर होना चाहिए दूसरी जगह। ये हमने उनको कहा था कि दरभंगा वाला एरिया जो है इसको होना चाहिए। और हम सब लोगों को शुरू से कहते रहे कि भाई जो पहला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना का पहला था और दूसरा दरभंगा का है, इसलिए होना चाहिए, ये सब कहा। लेकिन सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि यहां पर बनेगा। हम सब जगह लोगों से अनुरोध करते थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले के दौर में स्थितियां भी बहुत कठिन हुआ करती थी। अस्पताल बहुत ही कम थे, डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम थी, दवाइयां बहुत महंगी थीं, बीमारी की जांच का कोई ठिकाना नहीं था और सरकारें सिर्फ वादों और दावों में उलझी रहती थीं। यहां बिहार में जब तक नीतीश कुमार सरकार में नहीं आए थे, तब तक गरीबों की चिंता को लेकर कोई गंभीरता ही नहीं थी। गरीब के पास चुपचाप बीमारी सहने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था। साथ ही पीएम ने अपने संबोधन में बिहार की मशहूर लोकप्रिय गायिका शारदा सिन्हा को नमन किया। उन्होंने कहा कि मैं मिथिला धरती की बेटी स्वर कोकिला शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और पहले के दौर में स्थितियां भी बहुत कठिन हुआ करती थी, अस्पताल बहुत ही कम थे, डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम थी, दवाइयां बहुत महंगी थी, बीमारी की जांच का कोई ठिकाना नहीं था और सरकारें सिर्फ वादों और दावों में ही उलझी रहती थी। यहां बिहार में जब तक नीतीश जी सरकार में नहीं आए थे, तब तक गरीबों की इस चिंता को लेकर कोई गंभीरता ही नहीं थी।
गरीब के पास चुपचाप बीमारी सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसी स्थिति में हमारा देश कैसे आगे बढ़ता, इसलिए पुरानी सोच और अप्रोच दोनों बदला। साथियों, मैं मिथिला की धरती की बेटी स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बता दें कि इस कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, गिरिराज सिंह समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि आज दरभंगा में एम्स का शिलान्यास किया गया है, ये इस क्षेत्र के लोगों की बड़ी मांग रही थी। एक वो दौर भी था जब देश भर में मात्र दो एम्स अस्पताल हुआ करते थे। मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ। ये डबल इंजन सरकार की वो ताकत है जो इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर आसानी से उतारने का काम कर रही है। विधानसभा चुनाव के बाद भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और ये विकास रथ इसी तरह से चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।